हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट निबंध को। ये निबंध होगा ग्लोबल वार्मिंग पर। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, और इस टाइप के टॉपिक आपके आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इसको ज़रूर तैयार करिए SSC CGL CHSL MTS और बैंक रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर सकते हो, उनको तैयार कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हैं जिसमें आपको सारे के सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मिल जाएंगे। 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स आप कवर कर ही सकते हो यहाँ से, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाता है, तो अलग से दो बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल बुक से ही आप प्रिपेयर कर लोगे अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को, ठीक है। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर अपने एग्ज़ाम के हिसाब से, CGL या फिर CHSL के लिए, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन से आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे इस टॉपिक को बताना है ये देख लेते हैं। देखिए, धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ते रहने के कारण दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, जिसके कारण धरती पर जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दा है। दोस्तों यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो बताते हुए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ये किस तरह की समस्या है, ठीक है। लगातार धरती की सतह पर जो तापमान बढ़ रहा है ये ही ग्लोबल वार्मिंग का एक नतीजा है, और जिसका सामना जो है सारी दुनिया को करना पड़ रहा है। ये किसी एक कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, सभी देश जो है इसका सामना कर रहे हैं, और जिसकी वजह से धरती पर जो अस्तित्व है वो ही धीरे धीरे, जीवन का अस्तित्व ही खत्म होने हो सकता है, इसकी वजह से खतरे में पड़ सकता है, राइट। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि ये एक पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दा है, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित तो मुद्दा है ही, लेकिन ये सामाजिक मुद्दा भी है, क्योंकि इसमें जो जीवन है वही, उसका अस्तित्व भी खत्म हो सकता है, राइट। तो शुरुआत दोस्तों आप इस तरह से इस टॉपिक की कर सकते हैं बेहतर तरीके से, और यहाँ तक आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद देखो, यह माना जाता है कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता स्तर पृथ्वी के वातावरण को गर्म करने के का मुख्य कारण है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है पृथ्वी की सतह पर, वैसे वैसे ग्रीन हाउस गैसेस का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। और अन्य ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, इसके अलावा भी अन्य गैसेस होती हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और भी अन्य गैसेस होती हैं, वे सभी जो है वातावरण में तेजी से बढ़ रही हैं, ठीक है। तो ये सारे ही मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से जो एवरेज तापमान है पृथ्वी का वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, राइट। यदि इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया और तुरंत हल नहीं किया गया तो इससे पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। दूसरा भी आप बता सकते हैं कि अगर इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया और इसको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई तो आगे चल के हमारी पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो कि इस जो इशू है इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है और सभी को इसके प्रति कदम उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो शुरुआत दोस्तों आप इस तरह से इस टॉपिक को एलाबरेट करते हुए कर सकते हो, बेटर तरीके से बता सकते हो इसके बारे में। आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। ग्लोबल वार्मिंग समुद्र के बढ़ते स्तर, बाढ़, मौसम के पैटर्न में बदलाव, तूफान, चक्रवात, सूखा आदि का मुख्य और एकमात्र कारण है। दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से केवल सोशल लाइफ ही नहीं डिस्टर्ब होती, इसकी वजह से और भी कई सारे नेचुरल डिजास्टर भी आते हैं, जैसे कि बाढ़, मौसम के पैटर्न में बदलाव, तूफान, चक्रवात, सूखा, ये सभी जो हैं मुख्य कारण हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। तो इनको दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हैं, इनको एलैबोरेट कर सकते हैं। इसके बाद देख लो, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, जीवाश्म विदम के लगातार चलते, उर्वरकों के उपयोग, जंगलों के काटने, बिजली का अतिरिक्त उपयोग, रेफ्रिजरेटर का उपयोग किए जाने वाली गैसें आदि कारण हैं। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, तेजी से जो मात्रा बढ़ रही है, जीवाश्म ईंधन के लगातार जलने के कारण, यानी फॉसिल फ्यूल जो है लगातार उपयोग में आ रहा है जिसकी वजह से भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ती जा रही है,
जो साथ ही साथ उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, जो फर्टिलाइजर्स उनका अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, बिजली का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, रेफ्रिजरेटर का उपयोग हो रहा है जिससे CFC निकलती है, कार्बन CFCs गैसेस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलती है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ये सभी गैसेस क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस को बढ़ा रही हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का की सिचुएशन बन रही है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो कारण क्या क्या है, किसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, राइट। इसके बाद आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तो ओजोन परत पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक सूर्य की किरणों को रोककर पृथ्वी को सुरक्षा देती है। धीरे धीरे घटती ओजोन परत पृथ्वी की सतह के बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा संकेत है। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हैं ओजोन परत जो होती है, ओजोन लेयर जो होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, आपको पता है, और इसकी वजह से क्या है, पृथ्वी पर जो आने वाली यूवी रेज होती है वो रुक जाती हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हो जो यूवी रेज है उनको प्रोटेक्ट उनसे प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर हम सभी को, राइट, उससे धरती को सुरक्षा प्रदान करती है। तो धीरे धीरे जो ओजोन परत है वो घटती जा रही है, जो घटती जाने की वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये किसका संकेत है। जैसे जैसे ओजोन लेयर घटेगी वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोटिस किया जाना चाहिए, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में ही बता सकते हैं। इसके बाद देख लो, इस तरह की समस्याओं का मुख्य कारण तकनीकी प्रगति, जनसंख्या विस्फोट, औद्योगिक विकास की बढ़ती मांग, वनों की कटाई, शहरीकरण की ओर प्राथमिकता आदि है। यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि ये सब मेनली क्यों हो रहा है, इसकी मेन कारण क्या क्या है। तकनीकी प्रगति यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे जैसे होता जा रहा है, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है, औद्योगिकरण विस्तार हो रहा है, और वनों की कटाई जो है वो भी तेज़ी से हो रही है, शहरीकरण और प्राथमिकता आदि, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ओजोन और या फिर आप कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है, राइट। तो ये सारे ही कारण हैं, इन सब पर फोकस करने की ज़रूरत है, धीरे धीरे इनको नियमित करने की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से दोस्तों आप लिख सकते हैं। आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन में कैसे आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को हल करने का एकमात्र समाधान व्यक्तिगत स्तर की सामाजिक जागरूकता है। यानी ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा तभी ख़त्म हो सकता है, तभी हल हो सकता है, जब व्यक्तिगत स्तर पर, पर्सनल लेवल पर सभी लोग सामाजिक जागरूकता फैलाएं, सोशल एक तरह से अवेयरनेस कैंपेन शुरू करें, ठीक है, लोगों को इसके अर्थ, कारण, बुरे प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अन्य बातों से अवगत होना चाहिए ताकि इसे दुनिया भर से मिटाया जा सके, ठीक है। लोगों को पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, इसके क्या क्या कारण हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी लाइफ पर, ठीक है, ताकि इन चीज़ों से लोग जब अवगत होंगे, लोगों को पता होगा, तभी उसको रोकने के लिए भी प्रयास करेंगे, राइट। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर बता सकते हो कि इसके लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या सोल्यूशन आप दे सकते हैं इसके रिगार्डिंग, राइट। इसके बाद लास्ट पैरा में आप लिख सकते हैं, हम सभी अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करके वातावरण में होने वाले नकारात्मक परिवर्तनों को रोकने में सक्षम हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम सभी अगर अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करें तो इसकी वजह से क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके जो बड़े ह्यूज प्रभाव हैं, ह्यूज इफेक्ट हैं, वो कम किए जा सकते हैं हमारे वातावरण में, ठीक है। और धीरे धीरे जो नकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं हमारे वातावरण में उनको भी रोकने में हम सक्षम हो सकेंगे, राइट दोस्तों। तो इस तरह से सजेशन देते हुए, आखिरी में सोल्यूशन प्रोवाइड करते हुए आप ये ऐसे लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, और आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे इस टॉपिक को आपको लिखना है, कैसे आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट दोस्तों। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिए। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको सारी PDFs मिल जाएंगी, उनको आप रिवाइज़ कर सकते हो, कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अदर PDFs भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, अदर टॉपिक्स की भी, उनको भी आप देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कैसा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, राइट। और कोई सजेशन देना चाहते हो, कोई टॉपिक अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो सजेस्ट कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो, और आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी पर भी मेरे कोर्सेज को वॉच कर सकते हैं,
राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।